लटेरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रविनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा लोकसभा में विपक्षी नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर की गई अनर्गल टिप्पणी के संबंध में लटेरी थाना प्रभारी को एक आवेदन देकर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। पिछले दिनों केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रविनीत सिंह द्वारा राहुल गांधी को देश का नंबर वन आतंकी कहा गया था और उनके विरुद्ध इनाम घोषित होना चाहिए। रविनीत सिंह ने यह भी कहा कि वह हिंदुस्तानी नहीं होने देश से प्रेम नहीं है और वह देश को तोड़ने की बात कहते हैं। इसी तरह इंदौर के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी को देश का नंबर वन आतंकवादी कहा था। भाजपा नेताओं के अनर्गल बयानबाजी करने, राहुल गांधी को आतंकी कहने और उनका अपमान करने पर उक्त दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग आवेदन देकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लटेरी ने की है। ठीक है, हमारे देश के नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी के विरोध में केंद्रीय मंत्री रविनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह जी द्वारा अनर्गल बयानबाजी करके उनका अपमान किया गया है। उनको बहुत ही गंदे शब्दों का उच्चारण किया गया है। वो संजय गायकवाड़ जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, उनके द्वारा उनकी जीप काटने पर 11 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। इस प्रकार भाजपा के बड़े नेताओं के प्रधानमंत्री संरक्षण में ये लोग फल फूल रहे हैं और अनगल ब्याज गानी कर रहे हैं, जिससे देश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी को लेकर के उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमने आवेदन दिया है। क्या कहा, क्या अनर्गल टिप्पणी की गई है? उन्होंने राहुल जी के मामले में यही कहा है कि ये देश के नंबर वन आतंकवादी हैं, इनकी कोई जाति नहीं है। इस प्रकार के तमाम तरह के उन पर आरोप लगाए गए हैं, इन पर इनाम घोषित होना चाहिए। इस प्रकार के उनके द्वारा अनगल आरोप लगाए गए। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।